जालौर सिरोही में जो विकास पिछले 20 साल में ठप हो चुका है, अब ये मौका है कि आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद और समर्थन दें। मैं तीन बातें आपको कहना चाहूँगा कि हमेशा आप लोगों को साथ लेके चलूंगा, आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूंगा। जालौर सिरोही की विकास की बात करूंगा, ये आपको विश्वास दिला के रहता हूँ। साथ ही कल हम चेन्नई में थे, आज हम पूरा दिन बैंगलोर में थे। आप लोगों ने, कईयों ने आज सुबह बैंगलोर एयरपोर्ट पे भी हम सब साथियों का स्वागत किया, तो मेरे साथ तमाम लोग आए हैं कांग्रेस के नेता। पूरा दिन जब हम बैंगलोर के होटल के अंदर थे, आप लोगों में से कई लोगों से मिलना हुआ, आप लोग कई डेलीगेशन भी वहाँ पे आए, और चेन्नई के अंदर भी मुझे महसूस हुआ कि आप सब लोगों के मन में पीड़ा है कि जो बीते 20 साल बीत गए हैं भाजपा का सांसद रहा जालौर सिरोही में, मगर जिस तरीके से जालौर सिरोही का विकास होना चाहिए था, और जहाँ पे पिछले 10 साल में तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से मुझे महसूस हुआ कि आप लोगों के मन के अंदर, आप लोगों की बातचीत से मुझे महसूस हुआ कि आप लोगों के मन के अंदर अब ये पीड़ा हो रही है कि जो 20 साल बीत चुके हैं उसके अंदर जालौर सिरोही इस पूरे क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए था, केंद्र सरकार से जो योजनाओं का पैसा एक सांसद होने के नाते भाजपा के सांसद को लेके आना चाहिए था क्षेत्र के अंदर, वो कहीं ना कहीं उसमें सफल नहीं हो सका भाजपा का सांसद। और अब ये मौका है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं जालौर सिरोही किस तरह का क्षेत्र है, हमेशा चाहे पीने की पानी की समस्या हो, चाहे आप सब प्रवासियों को लंबे समय से मांग रही कि रेल का नेटवर्क भारत के दक्षिण छोर से जालौर सिरोही तक क्यों नहीं अभी तक अच्छा हो सका, ये सब पीड़ा आपके मन में है। आने वाले समय में जालौर सिरोही को और ज़्यादा हम लोग तेज विकास की गति में ले जाएं, ये आप और सबका सपना है। मैं पुनः आप लोगों से अपील करूँगा कि आप लोग आगामी 26 अप्रैल को, ना केवल आप बल्कि पूरे जालौर सिरोही में जहाँ भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, आपके मित्रगण हैं, आप सब लोग वहाँ पर आए और मुझे अपना आशीर्वाद समर्थन और प्यार दें। आने वाले जालौर सिरोही के लिए आप लोग अपना आशीर्वाद समर्थन प्यार मांगता हूँ, ताकि जालौर सिरोही के विकास को आप और हम सब मिलकर आने वाले समय में बढ़ा सकें। एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का, मंच पे विराजमान तमाम नेताओं का, विशेष तौर पर हमारे बीच में आए कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री नरेश गुंडूराव जी का जो मुझे अपना आशीर्वाद देना है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।